अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु अम्मा बादु फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन نعبدو وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر आज का दिन उम्मत मुस्लिमा में एक ख़ास अहमियत रखता है और इसे जुमातुल विदा के नाम से याद किया जाता है, यानी वो जुमा जो रमज़ान मुबारक में आखिरी जुमा हो। और इस दिन बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ बकसरत नमाजी मस्जिदों में पहुंचते हैं और ये ख़्याल है कि इस एक दिन की इबादत से सारे साल के गुनाह धुल जाते हैं। और सारे साल अगर इंसान इबादत से गाफिल भी रहा हो तो ये जुमा पढ़ने से उसका इजाला हो जाता है। अवामुन्नास को उलमा ने नामालूम क्या क्या बातें इस दिन के मुतल्लिक बताई हैं, जिसके नतीजे में इस दिन से इस्तफादे की बजाय बाज़ दफ़ा बाज़ लोग महरूमियाँ लेके इस दिन से निकलते हैं। क्योंकि जुमातुल विदा को दो तरह से देखा जा सकता है, एक इस तरह से कि बाज़ लोग उस दिन अपने गुनाहों को विदा कहते हैं और हमेशा के लिए उनसे रुख्सत होते हैं और ये जुमा उनके लिए मुबारकों का पैगाम लेके आता है और बशारतें लेके आता है और इस जुमा से धुल कर वो नौजायदा बच्चे की तरह मासूम होके निकलते हैं। बस ये आखिरी जुमा उनके लिए गुनाहों का आखिरी जुमा बन जाता है, जिसके बाद अल्लाह ताला के फजल और रहमतों के साथ वो नेकियों में तरक्की करते चले जाते हैं। और कुछ बदनसीब ऐसे होते हैं जो इस जुमा के दिन से ऐसी बरकतें हासिल करने की कोशिश करते हैं जो अल्लाह ताला ने ना इस दिन में रखी ना किसी और दिन में रखी। बरकत का दिन वही दिन है जो गुनाहों से निजात का दिन हो। ऐसा बरकत वाला दिन ना खुदा ने पैदा किया ना अक्ल इंसानी ऐसे उसे कबूल कर सकती है कि आर्जी तौर पर एक दिन के लिए मस्जिद में हाजिरी दे दी और ये समझ लिया कि अब सारा साल हमें गुनाहों की आज़ादी नसीब हो गई है। तो ऐसे लोगों के लिए ये जुमातुल विदा नेकियों को विदा कहने का दिन बन जाता है और वो समझते हैं कि जिस तरह भी हुआ दम घूंट कर हमने ये महीना खुदा की अताअत में गुजार लिया, अब हम वापस लौटते हैं उस दुनिया की तरफ जिस दुनिया में हमारे दिल की सारी लज्जात मुजमिर हैं, जिनको हम बड़ी तमन्नाओं से देख रहे थे कि कब ये महीना ख़त्म हो तो वापस उस आज़ादी की दुनिया की तरफ लौटें। बस ये जुमातुल विदा उनके लिए नेकियों को विदा कहने का जुमा बन जाता है। इस जुमे को जो आज का दिन है एक और भी अहमियत हासिल है और वो ये है कि ये लैलतुल क़द्र की रातों में ऐन वस्त में वाक़िया हुआ है।
वो आखिरी अशरा जिसके मुतल्लिक हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बशारत दी कि इस अशरे में तुम लैलतुल क़द्र को तलाश करो खुसूसियत के साथ, ये उस अशरे के ऐन वस्त में एक ताक दिन में वाक़िया हुआ, ताक रात में वाक़िया हुआ है, यानी इससे पहले 21 और 23 की दो ताक रातें गुजरी जिनमें लैलतुल क़द्र के ज़ाहिर होने का इम्कान मौजूद है, और 25 की रात जो इस जुमे ने देखी वो भी एक ताक रात थी, और बाद अज़ां दो ताक रातें अभी बाकी हैं। जहाँ तक लैलतुल क़द्र का ताल्लुक़ है, इसके मुतल्लिक भी बहुत से ख़यालात हैं जो फैले हुए हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि एक ऐसी रात ज़रूर आती है इस दिन जिस दिन नुज़ूल क़ुरान शुरू हुआ और वो गैर मामूली बरकतों की रात है, बरकतों की रात है, लेकिन उसका भी ये माना हरगिज़ नहीं कि उस एक रात को पाकर फिर तारीकियों की रात में इंसान वापस लौट जाए, क्योंकि क़ुरान करीम की वो सूरत जिसमें इस रात का ज़िक्र मिलता है इस तसव्वुर को बिल्कुल झुठला रही है, रद्द फरमा रही है। चुनांचे फरमाया ये रात जारी रहती है हत्ता मतलअल फज्र, इस रात के बाद तो अब्दी नेकियों का दिन तुलू होता है, इस रात के बाद गुनाहों की रातों में लौटने को का कोई सवाल ही बाकी नहीं रहता, हमेशा की रोशनी तुलू हो जाती है जो कभी फिर मोमिन का साथ नहीं छोड़ती। बस ये तसव्वुर भी जो बदकिस्मती से ज़ाहिर परस्त उलमा ने उम्मत में फैला दिया है इन रातों को इबादत की तहरीक करता है और इन रातों के बाद इबादत से अदम दिलचस्पी पैदा करता है। लोग इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि वो चंद रातें आएँ जिनमें हम ज़ोर लगाकर अपने रब को राज़ी कर लें और उसके बाद फिर सारा साल हमारा रब हमें राज़ी करता रहे और हम उसकी नेमतों को जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें। लेकिन लैलतुल क़द्र का सिर्फ यही मफहूम नहीं बल्कि और वसी तर मफहूम भी है, और जैसा कि हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस मज़मून पर बड़ी तफसील से रोशनी डाली और खलफाए जमात अहमदिया ने भी इस मज़मून पर मुख्तलिफ रंग में इजहार ख्याल फरमाया, लैलतुल क़द्र का मज़मून तो एक बहुत वसी मज़मून है, और लफ्ज़ लैला का इख्तियार करना इस रात को ज़ाहिर करने के लिए ख़ुद ये बात ज़ाहिर कर रहा है कि सिर्फ एक लम्हे की या चंद लम्हे की रात नहीं बल्कि इससे ज़्यादा वसीब ज़माना भी मुराद है। चुनांचे जिस तरह यौम और नहार को नस्बत है उसी तरह लफ्ज़ लैल और लैला को एक नस्बत है। नहार तो ज़ाहरी दिन को सिर्फ कहा जाता है जो 24 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाता है, यानी इस यौम के अंदर दिन भी शामिल हो जाती है हो जाता है और रात भी शामिल हो जाती है उर्फ आम के लिहाज से, और नहार के अंदर 24 घंटे के दिन को नहार कहते हैं, और ज़माने के लिए नहार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन 24 घंटे के दिन को भी यौम कहा जाता है मगर यौम इसके अलावा एक वसी ज़माने के लिए भी इस्तेमाल होता है। चुनांचे क़ुरान करीम ने जो 7 दिनों में ज़मीन और आसमान की पैदाइश का ज़िक्र फरमाया उससे भी ये बात ज़ाहिर होती है, और ख़ुद क़ुरान करीम लफ्ज़ यौम के मुतल्लिक फरमाता है कि बाज़ यौम खुदा के नज़दीक 50,000 बरस के बराबर है। तो ये नहीं कि हम क़ुरान की ताईद में अपनी तरफ से उसकी तरफ बातें मनसूब करते हैं, जब क़ुरान 7 दिन में ज़मीन या 6 दिन में ज़मीन और आसमान की पैदाइश का ज़िक्र फरमाता है तो ख़ुद वजाहत फरमा देता है कि इससे तुम्हारा 24 घंटे वाला दिन मुराद नहीं बल्कि एक वसी ज़माना मुराद है। इसी तरह लैल अगरचे अमूमन
उस रात के मुतल्लिक कहा जाता है जो सूरज गुरूब होने और सूरज तुलू होने के दरमियान का ज़माना है। लेकिन लैला एक ऐसी रात को भी कहा जाता है जो एक लंबे अरसे तक फैली हो और एक पूरा ज़माना उसमें पाया जाता। चुनांचे कुरान करीम ने लैला का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाकर इस मज़मून को बहुत वसअत अता फरमा दी। जहाँ तक क़दर के मानी का ताल्लुक है, जब हम उन पर गौर करते हैं तो ये मज़मून बहुत ही ज़्यादा वसी हो जाता है और एक या दो या चार या दस खुतबों में या इससे ज़्यादा वक्त में भी इसे समेटा नहीं जा सकता। गुज़श्ता साल इसी मौके पर मैंने लफ्ज़ क़दर के मुख्तलिफ मानी को मद्देनज़र रखते हुए बाज़ उमूर अहबाब जमात के सामने रखे थे। आज सिर्फ़ इसके एक पहलू से मैं जमात के सामने कुछ बातें पेश करनी चाहता हूं, और वो है क़द्र बमाना किसी की खिदमात की क़दर करना, किसी की नेकियों की क़दर करना, किसी की अच्छी बातों की क़दर करना। और ये क़द्र जो है ये माना भी कुरान करीम से साबित है। जो कुरान करीम लफ्ज़ क़द्र को इन मानों में इस्तेमाल करते हुए फरमाता है कि इन लोगों ने अल्लाह की क़दर नहीं की, अल्लाह की नेमतों की क़दर नहीं की, वो पहचान नहीं सके। तो क़द्र बाज़ दफ़ा बंदे करते हैं और बाज़ दफ़ा खुदा क़द्र फरमाता है, और ये मज़मून दोनों पर यकसां चस्पां होता है। बस लैलतुल क़द्र का एक मफहूम ये है कि वो रात जिस रात में क़द्र की जाएगी, कुछ लोग अपने रब का इरफान करेंगे और उसके अहकामात की क़द्र करेंगे और उसकी खातिर, उन अहकामात की खातिर रब, अपने रब की अतात के लिए कुर्बानियां पेश करेंगे, और कुछ उनकी क़द्र की जाएगी और वो सबसे ज़्यादा क़द्र करने वाला उनका खुदा है जो उनकी इन कुर्बानियों पर उनकी क़द्र फरमाएगा। और कुरान करीम का ये उसलूब कि जैसा फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये जब मा अदराका का लफ्ज़ का मुहावरा कुरान करीम इस्तेमाल फरमाता है तो ये उसलूब बताता है कि आगे जो मज़मून आ रहा है ये सतही मज़मून ना समझा जाए। वैसे तो कुरान करीम का कोई मज़मून भी सतही नहीं, मगर बाज़ जगह गैर मामूली गहराई पैदा हो जाती है। बस जिस तरह दरिया के पाट में मुख्तलिफ़ गहराई में पानी चलता है और जब ज़्यादा गहरा हो जाए तो बाज़ दफ़ा उसके ऊपर तवज्जो की खातिर तख्तियाँ लगा दी जाती हैं कि इस जगह से पानी ज़्यादा गहरा हो जाएगा, एहतियात करो। लेकिन ये तो इरफान का पानी है, यहाँ एहतियात की खातिर तख्ती नहीं लगाई गई, बल्कि ये बताने के लिए कि इसे सतह से देखने वाले लोग ये ना समझें कि एक ही बराबर गहराई में पानी बह रहा है। अब ये वो मुकाम शुरू हो रहा है जहाँ बहुत गैर मामूली गहराई आने वाली है, इसलिए इस पर गौर करो, इसमें गोते लगाओ ताकि इरफान के मोती तलाश करो। बस इस पहलू से ऐसी तमाम सूरतें गैर मामूली तवज्जो की मोहताज हैं जहाँ वमा अदराका का लफ्ज़ का मुहावरा रख कर इंसानी जहन को झंझोड़ा गया है और ख़ास मज़मून के लिए ये तैयार फरमाया गया है। लैलतुल क़द्र भी उन्हीं रातों में से एक रात है या उन ज़मानों में से एक ज़माना है जिनके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने गैर मामूली तवज्जो करने का इरशाद फरमाया। बस बाज़ लोग तो एक रात की तलाश में सरगर्दान रहते हैं और सरगर्दान गुजर जाते हैं, और इस साल भी ऐसे बहुत से लोग, करोड़ों लोग ऐसे रातों को उठते रहे और उठते रहेंगे बकिया वक्त में, जिनको उन चंद सानियों की तलाश होगी जो गुनाहों की बख्शिश का पैगाम देकर हमेशा के लिए उनको विदा कह दें और आज़ाद छोड़ दें, फिर वो जो चाहें करते फिरें। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो एक लंबी लैलतुल क़द्र में से गुज़र रहे होते हैं,
इस ज़ाहिरी रात की भी वो कदर करने वाले लोग हैं और उस ज़माने की भी कदर करते हैं जिस ज़माने में अल्लाह ताला उनसे कुर्बानियाँ चाहता है और अल्लाह की अताअत की खातिर तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। बस यही वो लोग हैं जो दर हकीकत इस लैलतुल कदर के भी हकदार हैं जो चंद लम्हों के लिए आती है और उस लैलतुल कदर के भी हकदार हैं जो एक लंबा ज़माना रखती है। आज बफजले ताला जमात अहमदिया एक ऐसी ही लैलतुल कदर में से गुज़र रही है जो कौमी तारीख में एक गैर मामूली मुकाम रखती है। ऐसा गैर मामूली कि तारीख़ आलम पर निगाह दौड़ाई जाए तो बाज़ दफ़ा सैकड़ों साल के बाद ऐसी रातें ज़ाहिर होती हैं जिनमें अल्लाह ताला अपने बंदों से क़द्र का मुतालबा फरमाता है और अपनी अताअत की खातिर उनसे कुर्बानियाँ मांगता है और फिर जब वो कुर्बानियाँ पेश करते हैं तो उनकी क़द्र फरमाता है, दुखों की रातों में भी उनके साथ रहता है और उन रातों के वक्त भी तुलू होने वाले दिनों की खुशखबरियाँ अता फरमाता है और फिर लाजिमन वो दिन भी तुलू फरमा दिया करता है जो अजीम तर बशारात लेकर उन पर ज़ाहिर हुआ करते हैं। पाकिस्तान में जो जमात पर हालात गुज़र रहे हैं ये एक ऐसी ही रात की निशानदेही कर रहे हैं। वो दुखों का दौर जो एक अरसे से जारी है जिसमें सबसे ज़्यादा दुख रूहानी अज़ियत है जो जमात को पहुंचाई जा रही है, ऐसे ज़ालिम लोगों को जो न कुरान का इरफान रखते हैं न सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पास रखते हैं खुली छुट्टी दे दी गई है कि वो सिलसिले के बुज़ुर्गों को दिन रात गालियां दें और नहायत ही गंदे नामों से याद करें और नहायत नापाक अंदाज से उनका जिक्र करते चले जाएँ और गालियाँ देते चले जाएँ। अक्सर खतूत जो दुख का इजहार करते हैं वो ज़ाहरी तकलीफ़ों का नहीं बल्कि इस तकलीफ़ का इजहार करते हैं। रवा से आने वाले खतूत खसूसियत के साथ मरकज़ सिलसिला में इस नाइंसाफ़ी और जुल्म की दास्तानों से भरे पड़े हैं कि जहाँ महज लिल्ला खुदा के नाम पर इबादत की जाती है वहाँ तो अल्लाह का नाम लेने की इजाज़त नहीं और ना लाउड स्पीकर की इजाज़त है ना अजानें देने की इजाज़त है, मगर जहाँ अजानों के बहाने नहत फाहश कलाम बका जाता है मिंबर रसूल पर चढ़ कर नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उसे मिंबर रसूल कहना ही नहीं चाहिए, वहाँ उनको खुली छुट्टी है। पांच वक्त अजान के बहाने शदीद गंदी गालियाँ दी जाती हैं, कान पक जाते हैं लेकिन फिर भी वो मुसलसल नए इज़ार रसानी के तरीक़ ढूंढते चले जाते हैं, नए जुल्म उनके जहन ईजाद करते चले जाते हैं। दरअसल जो जहन रात की पैदावार हों उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं झूठ और फसाद तराशना और नए से नए जुल्म तराशना, क्योंकि जुल्म और जुल्मत दोनों एक दूसरे के साथ एक गहरा इलाका रखते हैं। जुल्मत का मतलब है तारीकी और जुल्म भी तारीकी ही की पैदावार है। रोशनी के बच्चे कभी जुल्म नहीं करते ना वो जुल्म को सोच सकते हैं, वही लोग जुल्म सितम की बातें सोचते और फिर उन पर अमल करते हैं जो तारीकी की पैदावार हों यानी जिनका वास्ता नूर से कोई ना हो, जिनका कोई ताल्लुक आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके नूर से ना हो। बहरहाल ये सिलसिला रूहानी इज़ार रसानी का भी जारी है और बदनी इज़ार रसानी का भी जारी है और बदनी इज़ार रसानी भी सारी जमात के लिए रूहानी इज़ार रसानी में तब्दील हो जाती है, क्योंकि एक जगह एक मोमिन को भी जब दुख पहुंचता है तो सारी जमात उसके लिए बेकरार हो जाती है। चुनाचे गुज़श्ता कुछ अरसे में ये ज़ुल्म सितम का रुख सिंध की तरफ फिरा हुआ है और उसे ख़ास तौर पर उलमाए वक्त ने मुंतखब कर लिया है अहमदियों पर मज़ालिम के लिए। पीछे नवाब शाह के एक बुज़ुर्ग जमात अहमदिया के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ादिम अब्दुल रज़ाक साहिब की शहादत की इत्तला मिली थी
जिन्हें बड़ी बेदर्दी के साथ दिन दिहाड़े कत्ल किया गया और कोई उसके ऊपर किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं। उसी तरह कत्ल व गारत का पैगाम देने वाले मौलवी अपने खुतबात में दिन रात सारी उम्मत को कत्ल पर उकसा रहे हैं और नवाबशाह में खसूसियत के साथ मुसलसल ये जारी है। और बाज़ मौलवी तो यहाँ तक कहते हैं कि हम ज़ामिन हैं, तुम्हें जन्नत की खुशखबरियाँ देते हैं, और ऐसी ऐसी नापाक बातें उनके दिमाग सोचते हैं। ये ऐलान भी करते हैं कि हम ज़िम्मेदारी लेते हैं कि जब तुम क़यामत के दिन पेश होगे तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे इस्तकबाल के लिए जन्नत के दरवाजे तक पहुँचेंगे कि तुमने एक मिर्ज़ाई को कत्ल कर दिया। ये इनका मबलग इल्म है, ये इनकी गैरत है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ये मुकाम मुस्तफ़ा है जो इनके जहनों ने ईजाद कर रखा है। कोई भी ताल्लुक इनको नूर से नहीं है, तसव्वुर भी नहीं इनको कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चीज़, क्या ज़ात थे, कैसा पाक वजूद था, कैसी रहमत थे बनी नौ इंसान के लिए, अपनों के लिए भी और गैरों के लिए भी। वो नूर का एक जारी सोता था, ना खुश्क होने वाला, हमेशा हमेशा जारी रहने वाला, कुल आलम को सैराब करने के बाद भी जो खुश नहीं हो सकता। वह कैसी सलसबील थी जो खुदा की तरफ से नाज़िल फरमाई गई, ऐसी कौसर थी जो रहमतों का पैगाम लेकर सारी दुनिया के लिए जाहिर हुई और हमेशा हमेशा के लिए जारी रहने के लिए उसकी खुशखबरी दी गई। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब होकर ये ज़ालिम इस जुल्म की तालीम से बाज नहीं आ रहा है। और अभी हैदराबाद से हमारे एक बहुत ही बुज़ुर्ग और मोजिज भाई अकील बिन अब्दुल कादिर की शहादत की इत्तला मिली है। अब्दुल रज़ाक साहब भी बड़े खुशखुल बनी नौ इंसान की खिदमत करने वाले मिलनसार मुनकसर मिजाज थे और डॉक्टर अकील बिन अब्दुल कादिर भी बहुत ही आला सिफात हसना से मुत्तसिफ थे। बारहा इन्होंने वबा के लिए आँख के डॉक्टर थे, उनकी आँखों के मुफ्त इलाज के लिए कैंप लगाए। गरीब आदमी जो आता था उसके लिए फीस लेने का तो सवाल ही कोई नहीं था। बहुत से लोगों ने बकसरत मुझे ये बताया कि उनकी गुर्बत की वजह से अपने पास से खर्च किया करते थे, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करते थे, उनके बच्चों के लिए अखराजात दिया करते थे। नहायत बेनफ्स बेलौस इंसान जिसने अपनों की भी खिदमत की, गैरों के भी दिल मोहे और कोई जजा नहीं चाही किसी से कभी, एक तरफा एहसान का यह सिलसिला जारी था। इनको भी बड़े ज़ालिमाना तरीक पर अभी चंद दिन हुए शहीद कर दिया गया। ये जो शहादतें हैं, इन शहादतों के नतीजे में वो बहुत पाकीज़ा लोग, वो प्यारे वजूद पाकिस्तान से रुख्सत हो रहे हैं जो दरअसल पाकिस्तान की बका के ज़िम्मेदार हैं। ऐसे वजूद हैं जिन पर नज़र पड़ती है खुदा की रहमत की तो बाकी लोग भी बख्शे जाया करते हैं। इस पर मुझे एक शायर का एक शेर, अभी हाल ही में हबीब जालिब ने एक नज़म कही, उसका एक शेर याद आ गया। वो कहते हैं कि खाक में मिल गए नगीने लोग, हुक्मरां हो गए कमीने लोग। कैसे कैसे नगीने लोग थे जो खाक में मिल गए, एक तभी नतीजा है इस बात का कि कमीने लोग मुल्क के हुक्मरान हो चुके हैं। जब भी कमीनगी मुसल्लत हो जाए किसी मुल्क पर तो फिर अच्छे और पाक लोगों के लिए खाक के सिवा कोई जगह बाकी नहीं रहती। कुरान करीम ने भी इस मज़मून को एक नहायत ही आला पैमाने पर इस रंग में बयान फरमाया है जिससे कौमों की आज़ादी और उनकी ग़ुलामी का फ़लसफ़ा आया होता है। ये शेर तो एक महज एक जज्बाती इजहार है, ऐसे शेर बहुत से शायरों ने कहे हैं और कहते रहेंगे जब तक जुल्म दुनिया में बाकी है। इस किस्म के शेर भी इंसानी तसव्वुरात में जन्म लेते रहेंगे।
लेकिन कुरान करीम तो किसी शायर का कलाम नहीं है। वो जब इस किस्म की बातों का जिक्र फरमाता है तो गहरा फलसफा बयान फरमाता है कि कमीने लोग क्यों मुसल्लत हुआ करते हैं, और ये फलसफा बयान फरमाता है कि हमेशा कमीनगी उस वक्त मुसल्लत की जाती है जब गैर मुल्कों का दखल हो, जब गैर ताकतें किसी मुल्क पर काबिज होने लगें, तो ख्वा वो बराह रास्त काबिज हों, ख्वा गैरों की मार दूसरों की मार्फत काबिज हों, उस वक्त उनकी पॉलिसी, उनकी हिकमत अमली ये होती है कि कमीनगी को ऊपर लाया जाए। चुनाचे कुरान करीम सूरह नहल में आयत 35 में मलिका सबा का ये हकीमाना कौल दर्ज फरमाता है, और इसे महफूज रखने में हिकमत यही है कि अल्लाह ताला को वो कौल पसंद आया। वो नबी नहीं थी, वो खुदा के मुकर्रबीन में से नहीं थी, लेकिन साहिब हिकमत मलिका थी, और ऐसी अच्छी बात उसने कही कि खुदा ताला ने उस कलाम को हमेशा के लिए कुरान करीम में महफूज फरमा लिया तहसीन के रंग में, ना कि एक बुरी बात के इजहार के तौर पर। जब अपने बादशाहों, अपने बड़े लोगों से, अपने रऊसा से वो मशवरा कर रही थी तो उन्होंने कहा हम मुकाबला करेंगे और हम इसके लिए तैयार हैं, हमें हुक्म चाहिए तुम्हारी तरफ से। वो जानती थी कि उस बादशाह का, जिस जलाल के बादशाह से हज़रत सुलेमान, उसका उनका तो मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो कौम को समझाने के लिए एक असूल उसने बयान किया। वो कहती है कालत इन्नल मुलूका इज़ा दखलू करियतन अफसदूहा व जालू आइज़त अहलेहा अज़िल्ला व कदालिका यफ़लून। कि देखो, जब भी दूसरे बादशाह किसी मुल्क में दाखिल होते हैं तो उनके मफाद का यह तकाजा हुआ करता है कि वो कमीने लोगों को ऊपर ले आएँ और मौजूद लोगों को नीचे गिरा दें। इससे ये वहम पैदा हो सकता था नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि मलिका सबा हज़रत सुलेमान पर इल्ज़ाम लगा रही है अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। कुरान करीम की फसाहत व बलागत को देखें कि किस तरह इस इल्ज़ाम की यकदम नफ़ी फरमा दी, क्योंकि आखिर पर वो मलिका कहती है वह कज़ाले का या फलून, ये एक दस्तूर है हमेशा से, इसमें सुलेमान का कोई कसूर नहीं। यानी ये जाहिर करना चाहती है कि मैं तो जानती भी नहीं उसको, वो किस किस्म का बादशाह है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि दस्तूर ज़माना यही है और इसी तरह चला आया है कि जब गैर कौमें हाकिम हुआ करती हैं तो वहाँ के कमीने लोगों को ऊपर कर दिया करती हैं और शुरफा को रजील बना दिया करती हैं। तो बड़ी बदकिस्मती है ऐसे मुल्क की जहाँ नगीने लोग तो तहे खाक सो रहे हों और कमीने लोग हुक्मरानी कर रहे हों, और यही उनकी हुक्मरानी के लिए सबसे बड़ा एक पासपोर्ट हो उनकी निगरानी, उनकी हुकूमत की काबिलियत का, कि उनके अंदर शराफत की कदरें बाकी नहीं रहीं। और ऐसे लोग फिर मजबूर होते हैं जुल्म व सितम पर, क्योंकि जुल्म व सितम के सिवा वो बाकी नहीं रह सकते। एक ऐसी फितरी बात है कि जिसे आप वो कोशिश भी करें अगर तो वो उसे हटा नहीं सकते। ये जो मजालिम का सिलसिला है, शहादतों के अलावा भी बड़ी तफसील के साथ हर तरफ जारी और सारी है, खुसूसन सिंध में, जैसा कि मैंने बयान किया। और ऐसी ऐसी हैरत अंगेज़ बातें ज़हूर में आ रही हैं जिनको आप कभी तारीख़ इस्लाम में पढ़ा तो करते थे लेकिन ताज्जुब की निगाह से। बाज़ दफ़ा दिल मानता नहीं था कि ऐसे हो सकता है, लेकिन अब एक या दो तारीख़ इस्लाम के ताज्जुब के वाक़यात नहीं रहे, बीसियों वाक़यात हैं जो दोबारा इस ज़माने में जमात अहमदिया के कूक से पैदा हो रहे हैं अल्लाह के फ़ज़ल के साथ। जमात अहमदिया उन तारीख़ी हकायक को दोबारा ज़िंदा कर रही है अल्लाह के फ़ज़ल के साथ। कलेमा तैयबा के लिए चंद मिसालें आप तारीख़ इस्लाम से बारहा पेश करते रहे और दुनिया को बताते रहे कि इस्लाम के आगाज़ में इस तरह कलेमे की खातिर कुर्बानियाँ दी गई। उन वाक़यात को पढ़ लीजिए और इन वाक़यात को सुनिए जो इस वक्त रूनुमा हो रहे हैं, और इंसाफ से अपने दिल में ये सोचें कि क्या हकीकतन उसी शान के साथ, उसी आन बान के साथ तारीख़ इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
आखिरीन गुलामों में दोबारा जिंदा हो रही है कि नहीं हो रही। बहुत तफसीली बड़े लंबे वाकयात हैं, एक या दो की बात नहीं है, मैं सिर्फ एक दो नमूने के तौर पर आपके सामने रखता हूं। एक साहब हैं हमारे नौजवान करीम नगर फार्म के, उनको मुतल्लिक इतला मिली कि उनको जब कलमा तैयबा लगाने के जुर्म में गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया तो पहले तो धूप में बिठा दिया गया, और वहाँ की धूप आजकल की शदीद गर्मी में बहुत तकलीफ़देह चीज़ है। इस तरह आप सुना करते थे कि यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को भी कलमाए तौहीद कलमाए शहादा पढ़ने के जुर्म में धूप में खड़ा रखा गया। ऐसे वाक़यात आम वहाँ रूनुमा हुए हैं। कहते हैं उनको धूप में खड़ा रखा गया और जब इसके बावजूद वो कलमा पढ़ने से बाज ना आए और कलमे का बैज उतारने से इनकार किया तो उनके हाथों और पाँव में बेड़ियाँ डालकर 2 घंटे धूप में दरख्त से लटकाए रखा और फिर चारपाई पर लिटाकर शदीद गंदी गालियां दी गईं और मारा गया। जब पानी मांगते थे तो उसके जवाब में गालियां देते थे। उसके बाद एक ऐसी जगह जहां चींटियों का सुराख था उस बिल पर उनको बिठा दिया गया कि जख्मों को चींटियां चाटें और उससे ज़्यादा तकलीफ पहुंचे। पुलिस शहर के गुंडा अनासिर को और उलमा को साथ लगा लेती थी और हमारे नौजवानों को डंडे मारते हुए और गालियां देते हुए शहर से गुजारती थी और उलमा साथ गंदी गालियां भी देते चले जाते थे उलमा भी। और जब इस पर बस नहीं या इस पर उसके बावजूद अहमदी नौजवानों ने कलमा का इनकार करने से इनकार कर दिया तो बाज को नंगा बाज़ारों में फिराया गया और जूतियां मारते चले जाते थे और गंदी फाश गालियां देते चले जाते थे और कहते थे ये देख लो इनका कलमा और ये है जजा इस कलमे की। तारीख़ इस्लाम को पढ़ने वाले ज़रा लाएं तो सही, ऐसे वाक़यात किस कसरत से उनको नज़र आते हैं। उस तारीख़ ने बच्चे दिए हैं अब, ये वही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का फैज़ है जो बकसरत अब ज़ाहिर होने लगा है। और इस ज़माने के मुनकरीन और झूठ बोलने वाले और ये कहने वाले मौरखीन ये सब किस्से हैं, बाद में किस्से बना लिए जाया करते हैं। उनका मुंह तोड़ दिया है अहमदियत की कुर्बानियों ने, हमेशा के लिए उनके कलम कुंद कर दिए हैं जो इस्लाम की तारीख पर यह इल्ज़ाम लगाया करते थे कि ये सब बात के फर्जी किस्से हैं। आज हमारी आंखों के सामने ये वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। बहुत वाकयात हैं, बहुत ज़्यादा वाकयात हैं, मैं आपको कौन कौन से वाकयात पढ़ के सुनाऊं। एक साहब हैं मीरपुर खास के, वो लिखते हैं हम तीनों कलमा का बैज लगाकर शहर में घूमने लगे, उसके बाद 2 पुलिस वाले आए हमें गिरफ्तार कर लिया फिर थाने ले गए। वहाँ जाकर पूछने लगे तुमने ये कलमा का बैज क्यों लगाया है, तो मैंने जवाब दिया कि कलमे से हमें मोहब्बत है इसलिए लगाया है। वो कहने लगे अभी तुम्हारी मोहब्बत निकालते हैं। फिर उन्होंने मार धार शुरू कर दी, पहले थप्पड़ मारते रहे और जब वो थप्पड़ मारते थे हम बुलंद आवाज़ से कलमा तैयबा पढ़ते थे। फिर उन्होंने कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा ना पढ़ो, मिर्ज़ा साहब का कलमा पढ़ो। हमने इनकार किया और बताया कि हमारा कलमा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का ही कलमा है और यही कलमा हम जानते हैं और यही पढ़ेंगे। तो उसके बाद उन्होंने चमड़े के जूते मंगवाए और उनसे मारने लगे। जितनी ज़ोर से हमें मार पड़ती थी उतने ही ज़ोर से हम कलमा शहादा बुलंद करते थे। आखिर जब वो मार मार के थक गए तो ये लिखने वाले कहते हैं कि मुझे हंसी आ गई। इस पर जानवर की तरह वो पुलिस का जो अफसर था वो झपटा मुझ पर
और शदीद गुस्से की हालत में उसने मेरे सीने से कलमा नोच कर पांव तले रौंद डाला। कहते हैं मैं मार खा कर तो हंसता था, लेकिन खुदा की कसम उस हालत में मेरी चीखें निकल गई। और फिर इस्लाम के इन खिदमतगारों ने कहा अपनी शलवारें उतारो और हम उस पर जूतियां मारेंगे नंगे बदन पर और तुम्हें जलील करेंगे, फिर तुम्हें पता लगेगा कि कलमा तैयबा से मोहब्बत का क्या नतीजा निकला करता है। कहते हैं हजूम था, मौलवी थे और 200-250 तमाशबीन थे, वो ये खामोश तमाशा देखते रहे। फिर उनका बड़ा मुंशी आ गया और उसने फिर अपनी कसर निकाली, वो जो बैद लेके आया था उससे उसने मारना शुरू किया। और जब वो मारता था हम फिर कलमा पढ़ते थे और इसी तरह बिलाखिर उन्हें हवालात में बंद कर दिया गया। एक हमारे मौलिम वक्फ़े जदीद एक मुजाहिद से मिल के आए, उसका वाक़या उन्होंने लिखा है। कहते हैं एक मुजाहिद को इसलिए मारते रहे कि वो अपने हाथ से कलमा तौहीद अपने सीने से उतारता नहीं था। वो मार खाता रहा मगर ज़ुबान से कलमा तौहीद ही बुलंद करता रहा। फिर कपड़े उतारे और फिर उसे मारना शुरू किया, फिर भी वो कलमा तौहीद ही बुलंद करता रहा। फिर उसे उल्टा लिटा कर उसकी गर्दन पर पांव रख दिया गया और साथ मारते रहे। वो कहते हैं मसीह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरसब्ज़ शाख्स का कहना है कि दिल से तो उस वक्त भी आवाज़ बुलंद हो रही थी मगर गर्दन पर पांव का ऐसा दबाव था कि आवाज़ गर्दन से बाहर नहीं निकलती थी। फिर जब उस जालिम ने पांव उठाया तो फिर मैंने कलमा तौहीद बुलंद आवाज़ से पढ़ा। इस पर फिर उसी तरह मुझे लिटा कर मारना शुरू कर दिया गया। वो भी लिखते हैं कि उस मौके पर एक दफ़ा मुझे हंसी आई तो SHO ने सिंधी में कहा कि तू तो बहुत बड़ा डाकू है, इतने बड़े शदीद तशद्दुद के बावजूद तू इस अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा, यानी इतना बड़ा जुर्म हो रहा है, पाकिस्तान में कलमा तैयबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं इस बात पर तो नहीं हंसा कि तुम मुझे मार रहे हो, मैं तो इस बात पर हंसा हूँ कि तुम बेवकूफ़ समझते क्या हो कि हम तुम्हारी मारों के नतीजे में कलमा तैयबा छोड़ देंगे। तुम्हें खुदा की कसम अगर जिस्म का कीमा भी बना दोगे तो हर बोटी के हर सांस से कलमा तैयबा बुलंद होगा, इसके सिवा हम और कुछ नहीं जानते। एक बाप अपने बेटे के मुतल्लिक लिखता है कि थरपारकर में उलमाए दीन का जोर है और कलमा के बैज लगाने वालों पर बरस पड़ते हैं और पुलिस को साथ लेकर पकड़वाते और फिर उन पर सख्ती करवाते हैं और फिर अपने सामने पुलिस से मरवाते हैं। मेरा लड़का जो कि सबसे छोटा है BA में मीरपुर खास में पढ़ता है, उसको कुंडी पुलिस ने इतना मारा कि बार बार बेहोश हो जाता था। होश आने पर पानी मांगता था तो नहीं देते थे और वो फिर कलमा तैयबा पढ़ना शुरू कर देता था और फिर उसे मारते थे और फिर वो मार खाते खाते बेहोश हो जाता था। ये बाप अपने बेटे के मुतल्लिक लिखता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि मेरे बच्चों को खुदा ने सिद्क और ईमान से नवाजा है। हर दफ़ा बेहोशी के बाद उसके मुंह से कलमा तैयबा ही निकला और कोई शिकवे की सदा बुलंद नहीं हुई। और उसके बाद जब वो घर आया जमानत के बाद तो कहते हैं 3 दिन तक उसके पेशाब में खून आता रहा, मैं नहीं जानता कि क्या नुकसान उसके अंदर पहुंच चुका है। अजीमुशान कुर्बानियां दी हैं कुंडरी और थरपारकर के दीगर इलाकों के महमदियों ने जहां अहमदिया स्टेट्स हुआ करती थी। और नौजवान लिखते हैं कि हमने तो हवालात में और कैद खानों में जंगल में मंगल बना रखा था, ये लोग
छुड़ाने के लिए अजियतें देकर वहाँ पहुँचाते थे और वहाँ हम इबादतें करते थे और बुलंद आवाज़ में कलमा है तौहीद बुलंद करते थे और दुरो दीवार पर कलमा लिख देते थे। कहते हैं अजीब मंजर है और अजीब वो ज़िंदगी के दिन थे जिनकी लज्जत हम भुला नहीं सकते। और बाहर जो थे वो लिखते हैं कि हमारे 100 से ज़ायद नौजवान तो इस तरह दुख उठाते हुए जेल में गए और हम बाहर तड़प रहे थे कि काश हमारी बारी आए, और एक दूसरे से मुकाबले होने शुरू हुए और एक दूसरे से लड़ाइयाँ शुरू हुई इस बात पर कि पहले किसका नंबर आना चाहिए, क्योंकि जमाती इंतज़ाम के मुताबिक तलब किया गया था जो चाहता है वो शौक से पेश सामने आए, किसी को ज़बरदस्ती कलिमा लगाने का कोई हुक्म नहीं है, क्योंकि कलिमा पढ़ना, कलिमे पर ईमान रखना तो एक फरीज़ा है, कलिमा सीने पर लगा के फिरना तो कोई ऐसा शरीफ फरीज़ा नहीं है कि जिसके लिए खलीफा वक्त हुक्म दे। तो जमात ने खूब अच्छी तरह वाज़े कर दिया कि ये तकलीफ़ें दी जा रही हैं, ये उसके नतायज निकलते हैं, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल बाज़ों के हो सकता है तारीख हो जाएँ, बज़ाहिर दुनिया के लिहाज से हो सकता है लंबे जिस्मानी आज़ार लग जाएं उनको, इसलिए सोच समझ के अपने नाम पेश करो। और जमात के अहदेदारों की इतला ये है कि हज़ारहा अहमदी जोश खरोश के साथ लाइन में खड़ा था और कोई परवाह नहीं थी कि उनके उनकी तिजारतों का क्या बनता है, उनके ज़िम्मेदारों का क्या बनता है, ज़मीनों का क्या बनता है, बल्कि औरतें भी बड़े जोश व खरोश के साथ अपने नाम पेश कर रही थीं कि हमें भी मौका दो, हमारा भी हक है। माएँ अपने बच्चों के नाम पेश कर रही थीं, बहनें अपने भाइयों के नाम पेश कर रही थीं और फिर मुझे ख़त लिखती थी कि अल्लाह ने हमारे वीर को तौफीक अता फरमाई, काश अब हमें भी इजाज़त दे, हम भी वहाँ जाएँ जो हमारे भाई हमारे खाता वो पहुँचा। अजीब दिन है ये, वो लैलतुल कदर है, नादानों को क्या इल्म कि लैलतुल कदर क्या होती है। 1400 साल की दूरी से तारीख इस्लाम को देख रहे हैं और समझते हैं कि उस ज़माने में ये होते तो यही करते, हरगिज़ नहीं, उस ज़माने में होते तो वही करते जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन मोहम्मद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके गुलामों से कर रहे थे, आज भी तो वही कर रहे हैं। जुल्म और सफाकी का ये आलम है कि एक दफ़ा एक तरफ शहादतें हो रही हैं जमात की, दूसरी तरफ झूठे इल्ज़ाम लगाकर मज़ीद उनको कत्ल के मुकदमों में फंसाया जा रहा है। सखर में हमारे अमीर ज़िला शहीद हुए बड़े बेदर्दी के साथ, कोई 80 के करीब उनकी लगभग उनकी उम्र थी, और उनको जब शहीद किया गया तो 4 फिदाईन इस्लाम जो बने हुए थे, जो इस्लाम की खिदमत करने के लिए आए थे, उन्होंने गोलियां भी मारी और बर्छे लेकर आए हुए थे, और हर आदमी अल्लाह अकबर कह के बर्छा उस बूढ़े के जिस्म में दाखिल करता था और बड़े फ़ख्र के साथ नारे लगा रहा था कि मैं हूँ गाजी जिसने इस्लाम की अज़ीम शान खिदमत कर दी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतलिक की मुसलसल अहादीस में ये इतला मिलती है, मुतवातर अहादीस में ये इतला मिलती है कि वो दुश्मन जो लड़ने की नीयत से मुसलमानों को गारत करने की नीयत से लड़ने के लिए आया करता था, उसके मुतलिक भी अपने ग़ुलामों को यह हदायत फरमाया करते थे कि देखो बूढ़ों और बच्चों और औरतों को कुछ नहीं कहना। और यहाँ एक मासूम इंसान इबादत करके निकला खुदा की और देर तक मस्जिद में बैठा इस बात पर रोता रहा कि इन ज़ालिमों ने हमें अजान देने की तो की इजाज़त भी हमसे छीन ली है। वो जब मस्जिद से बाहर निकलता है तो ये 4 जवान बर्छों से उस पर हमला करके उसका जिस्म छेदते हैं और नारा है तकबीर बुलंद करते हैं कि इस्लाम की खिदमत हो रही है। उनके दोनों बच्चों को अब इस इल्ज़ाम में कैद कर लिया गया है कि उस मस्जिद में जो सखर की एक मस्जिद बताई जाती है पुरानी, उसमें एक बम फटा था और उसमें ये दोनों मुलव्वस हैं, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ इलाकों के अहमदियों को बकसरत पकड़ा गया और ज़ालिमाना तौर पे उनको हबसे बेजा में रखा गया। यही हमारे अमीर साहब सखर के साबिक अमीर साहब कुरैशी अब्दुलरहमान साहब शहीद का बेटा लिखता है
कि गुज़श्ता माह की 23 तारीख को सबसे पहले खाकसार को घर से बाहर बुलाया और DSP ने गिरफ्तार कर लिया, ये कहकर कि तुमने एक मंसूबा के तहत मस्जिद मंजिलगाह, जो एक तारीखी मस्जिद है, पर बम फेंकवाया है। इसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ता रहा। मेरे घर से निकलते ही बच्चों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और बच्चों ने बड़ी कसम कुर्सी की हालत में घर छोड़ा। फिर वो फरमाते हैं, सरकारी मुलाजिम का तो ये हाल होता है कि तनख्वाह पर गुजारा होता है, जो महीना ख़त्म होने से पहले ख़त्म हो जाती है। फिर हुजूर वाला खाली हाथ घर से बाहर निकलकर बच्चों पर एक नफसियाती खौफ तारी करना, बाहर निकाल कर बच्चों पर एक नफसियाती खौफ तारी करना कहाँ की शराफत है? क्या हुकाम की माँ बहन बहू बेटियाँ नहीं हैं? इसके बाद मेरी गैर हाजिरी में घर की तलाशी ली गई, जिस बेदर्दी से अलमारियों और संदूकों के ताले तोड़े गए वो नाकाबले बयान है। गोया घर के सामान को सामान यरगमाल समझ लिया गया, जो कीमती चीज़ हाथ आई वो ले उड़े। अहमदियों के घरों से औरतें दरबदर की गईं और सामान की बेदर्दी से तलाशी ली गई, सामान को लूट कर, यानी दूसरे अहमदियों के घर से भी सामान को लूट का माल समझकर पुलिस ले जाती रही। हम लोग जेर हिरासत इन सब बातों को सुनकर सब्र के आंसुओं का नजराना अपने मालिक के हकीक के हजूर पेश करते रहे। सखर में एक दोस्त लिखते हैं, मेरे भाई मुकर्रम शर्मा साहब की दुकान और गोदाम इस्लाम के नाम पर गोया इस्लाम की खातिर लूट लिए गए। एक साहब कराची के नौजवान जो वहाँ मौके पर भिजवाए गए थे कराची से, एक दस्ता लेकर देकर, क्योंकि वहाँ कोई मर्द भी बाकी नहीं रहा था और बच्चे बेचारे बगड़ी की कसम कुर्सी की हालत में पड़े हुए थे, उनका ख्याल रखने के लिए जहाँ उनको पुलिस ने एक जगह एक कैंप बनाकर रख दिया था उनके ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, जमात कराची ने अपने नौजवानों को भिजवाया। वो लिखते हैं, मैं अपने दूसरे साथियों के साथ 24 मई को कराची से सखर ड्यूटी के लिए आया था, क्योंकि इतला मिली थी कि सखर के तकरीबन तमाम मर्दों को बम केस के सिलसिले में हिरासत में ले लिया गया है और औरतें और बच्चे घरों में अकेले हैं। 27 तारीख को सुबह 4:40 पर पुलिस ने घर पर छापा मारा जहां हम सो रहे थे और उन 6 लड़कों को, जिनमें 5 कराची के और एक रोहड़ी का था, गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया। सारा दिन पुलिस के स्टेशन में रखा और रात को 9 बजे के करीब वहाँ से पुलिस लाइन सखर में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पर बाकी अहमदी असीरान राह मौला मौजूद थे। हम में से 7 अफराद पर शनाख्त करके इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि ये लोग इस वारदात में मुलव्वस हैं। कुछ और लोगों को भी इसमें मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है। शनाख्त कैसे होती है वहाँ, ये एक मौके के गवाह हमारे खैरपुर ज़िला के एक बड़े मुखलिस अहमदी नौजवान हैं जो कैद में हैं, इनका भाई भी तशद्दुद का शिकार था और वो भी बहुत दर्दनाक तरीक पर दूध को किया गया। ये लिखते हैं, शनाख्त परेड का अजीब तरीका देखा कि पहले हमारे 4-5 दोस्तों को एक एक करके अपने दफ्तर में बुलाए, ये DSP मज़र है कोई जिसके मुतल्लिक वो लिखते हैं, वो ये हरकतें कर रहा है सारी। तशद्दुद में भी वही सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है और इस सितम में भी। वहाँ 4 मौलवी साहबान बैठे हुए थे, फिर उनको वापस बैरक में भेज दिया गया। थोड़ी देर के बाद फिर 5ों को इकट्ठा बुलाकर चंद दूसरे आदमियों के साथ खड़ा करके शनाख्त परेड कराई गई। उन 4 मौलवियों में से 2 को बुलाकर शनाख्त परेड कराई, जिनको पहले ही अपने दफ्तर में अच्छी तरह उनके चेहरे दिखा चुके थे और गुफ्तगू करवा चुके थे। जिस अहमदी नौजवान पर तशद्दुद हुआ है नहायत ही ज़ालिमाना, इसके मुतलिक भी वो बड़े साफ गो हैं अहमदी बच्चे हमारे, किसी जगह भी गलत पुलिस को मुलव्वस नहीं करते, हर जगह लिख रहे हैं कि आम तौर पर सखर में पुलिस का रवैया शरीफाना था, यानी जिन हालात में हमें पकड़ा गया, जिस तरह मौलवियों का दबाव था, वैसे जुल्म नहीं किए गए जैसे थरपारकर की पुलिस ने वहाँ के डिप्टी कमिश्नर के हुक्म के नतीजे में किए। हतल मकदूर वो बचते रहे जुल्म से,
सिवाय एक डीएसपी के जो हर बात में पेश पेश था और मौलवी सिरिश्त रखता था। कहते हैं अयूब को वो खुद ही आ रहा था रब्बा से अपने ख़ानदान अपनी फैमिली को लेकर। पहले तो उसको एक पुलिस का दस्ता रब्बा भिजवाया गया वहाँ से पकड़ने के लिए। ये कहानी बनाई गई कि गोया वारदात करके भाग कर रब्बा जा चुका है और वो आज खुद रब्बा के लिए पहले ही रवाना हो चुका था। पुलिस को ये बताया गया कि रब्बा वाले ऐसे जालिम और खबीस और सफाक लोग हैं कि जो तुम जा रहे हो वहाँ अब शायद तुमसे दोबारा मिलना नसीब ना हो, इसलिए आखिरी दफ़ा अलविदा कह जाओ और गले लग जाओ क्योंकि अब शायद तुम्हारा वापस आना मुमकिन न रहे। वो जब गए तो उनके साथ बिल्कुल और सलूक हुआ, हर आदमी को खुलीक पाया, हर आदमी को रोज़े में देखा, उनके आसार ही और थे। चुनाचे वो लिखते हैं कि वो बैच तो तकरीबन अहमदी हो चुका है, वापस आके मुसलसल अहमदियत की तबलीग कर रहा है। और ये जो फैमिली थी अयूब और उनके बच्चे, ये बरह रास्त खुद पहुँच रहे थे। चुनाचे वहाँ की पुलिस ने वज़ीरिया तार उनको इतला कर दी कि वो आ रहे हैं। चुनाचे ये मुजरिम देखें ज़रा किस किस्म के हैं अहमदी मासूम, 250 आदमियों की नफरी लेकर एसएसपी खुद वहाँ पहुँचा है उनको गिरफ्तार करने के लिए। इतना ख़तरनाक मुजरिम वापस आ रहा है अज खुद। और इनके भाई, इनके साथ जो सलूक का वाक़ लिखते हैं वो ये है, अयूब को पहले तो ऐसे पूछ गछ करते रहे, ऐसे ही पूछ गछ करते रहे, मगर फिर उसको 24 घंटे हाथ ऊपर बांध कर खड़ा करके लॉकअप में बंद कर दिया। सिर्फ एक दफ़ा पेशाब के लिए खोला गया। 24 घंटे के बाद जब हमें बुलाया गया और कहा गया कि इसको कहें कि ये इकबाल जुर्म कर ले, हमने कहा जब उसने जुर्म किया ही नहीं तो इकबाल किस बात का कर ले, तो फिर हमारे तीन आदमियों के सामने डीएसपी मज़र ने गुस्से से हुक्म दिया कि अयूब को लाओ। फिर उसको नंगा करके लेटाया गया और जो तशद्दुद तोड़ा गया उसको बयान करने का हौसला नहीं है। मेरे कानों में उंगलियां देने के बावजूद उसकी चीखें सुनाई देती रहीं। ये खिदमत इस्लाम हो रही है आज पाकिस्तान में, किसके नाम पर? किसी फिरौन के नाम पर नहीं कर रहा है ये खिदमत, किसी इबलीस के नाम पर नहीं कर रहा है, बल्कि अल्लाह के प्यारों के नाम पर, खुदा के मुकद्दस लोगों के नाम पर ये जुल्म ढा रहे हैं। कोई हद नहीं रही बेहयाई और सफाकी की और बेगैरती की। न दीन से मोहब्बत है, ना इस्लाम से मोहब्बत है, ना सैयद बुल्द आलम आदम हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का कोई एहतराम। बाद लोग गंदी हरकत में पकड़े जाएँ, जब चोरी में पकड़े जाएँ, किसी और बुरे फेल में पकड़े जाएँ तो अपने माँ बाप का नाम नहीं बताते शर्म के मारे। वो कहते हैं इनको क्यों बदनाम करें, वहाँ जो पुलिस मारती रहती है वो शर्म की वजह से नाम नहीं लेते कि हमारे माँ बाप का नाम ना मुलव्वस हो जाए। इनको हया नहीं कि उससे कई गुना ज़्यादा भयानक जरायम कर रहे हैं जो एक आम मुजरिम करता है। और फिर हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए ना इनको शर्म आती है, ना इनको हया आती है, ना खुदा का खौफ खाते हैं। मगर जेल में जिस तरह ये लोग वक्त गुजारते रहे उन मशागिल में ये कोई तब्दीली नहीं कर सके। इनका जुल्म, इनकी सफाकियाँ कुल्लियत नाकाम रहे। कोई साहब लिखते हैं, कहते हैं सुबह 2:30-3 बजे उठकर तहज्जुद की नमाज बिला नागा बा जमात अदा करते हैं। ऐसा रिफ्त आमेज़ नज़ारा होता है कि जो सिपाही सहरी खाने के लिए आते हैं हमें तहज्जुद में रोते देख कर हैरान हो जाते हैं। खुदा ताला ने हमारा जिंदा भी पुलिस का मैस बना दिया है, जहां सुबह शाम लोगों का तांता बंधा रहता है। जो भी रोटी खाने आता है पूछता है कि ये मामला क्या है। शाम को रोटी खाने आता है तो हम नमाज मगरिब अदा कर रहे होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं कि मौलवी कुछ बताते थे, इनके अमल बिल्कुल हकीकी मुसलमानों जैसे। बाज़ तो हमारे सामने ही मौलवियों को गालियाँ भी देने लग जाते हैं। 2 वक्त दर्स होता है, खूब तबलीग की जा रही है। इतनी तबलीग का मुझे कभी आज़ादी में भी मौका नहीं मिला था जितनी अब मुझे इस कैद खाने में तबलीग का मौका मिल रहा है। क्यों ना हो, ये सूरत सुन्नत यूसुफी को ज़िंदा करने वाले नौजवान हैं।
कहते हैं खुदा गवाह है अब तो यहाँ ऐसा दिल लगा है कि वापस जाने को दिल नहीं चाहता। ये वाकया और दूसरे नौजवानों ने जो वाकयात लिखे हैं, कलमा लिखना, दीवारों पर पढ़ना, उस पर मुझे वो गालिब का शेर याद आ गया। वो कहता है, कैद में थी तेरे वाशी को वही जुल्फ की याद, कैद में थी तेरे वाशी को वही जुल्फ की याद, हाँ कि कुछ एक रंगे रंजे गिराम बार ये जंजीर भी था। कि कैद में तेरे वाशी को तो तेरे जुल्फ की याद उसी तरह रही, वो याद कैद छीन नहीं सकी। हाँ जो जंजीरें थी उनका बोझ भी थोड़ा सा था, उसका रंज भी था। मगर देखो हजरत अकदस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इस फैज़ को कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की सुन्नत दोबारा ज़िंदा कर दी। ये वो कैदी हैं जिनको कैद में भी खुदा और रसूल की याद रही, और ये वो कैदी हैं जिनको रंजे गिराम बारी जंजीर भी नहीं था, उस रंज को भी भुला बैठे और जिंदानों से ये लिख रहे हैं कि अब तो बाहर जाने को दिल नहीं चाहता। जो लुत्फ अल्लाह की खातिर दुख उठाने का, जो तबलीग का मज़ा आ रहा है, उसका बाहर बैठे वाला इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और अल्लाह भी अपनी रहमत के ऐसे निशान उनको हैरत अंगेज दिखा रहा है। वो कहते हैं कि वो भाई मेरा जिसको नहायत ही शदीद जूदकूब किया गया और सारी रात मुसलसल हथकड़ियाँ हाथ में बांध कर लटकाए रखा, उससे मैंने पूछा कि भाई बताओ तो सही तुम्हारा क्या हाल हुआ उस रात। तो अज़ीज़ अय्यूब ने मुझे बताया कि मेरा तो सिर्फ मुझे तो इतना याद है कि जब वो मुझे लटका के चले गए तो मुझे उसी वक्त नींद आ गई, जब आँख खुली तो दिन हो चुका था, कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। कहते हैं वो इन दुखों के बावजूद ना सिर्फ हंसता है बल्कि दूसरों को हंसाता है और उनको हौसला दिलाता है। कहते हैं वो इसी हालत में अपने साथी कैदियों का दिल बढ़ा रहा था, हंसकर उनको बता रहा था कोई बात नहीं, अल्लाह की खातिर बड़ा मज़ा आया। कहते वो तो हंस रहा था और मेरी आंखों से आंसू की लड़ी जा रही थी कि अल्लाह तेरी क्या शान है कि हम तो पड़ा करते थे कि आग गुलजार हो गई मगर आग को गुलजार होते देखा कभी नहीं था, आज तो अपनी आंखों के सामने हमने इस आग को गुलजार होते भी देख लिया। ये वो लोग हैं खुदा के बंदे जिनको ये राह हक से हटाना चाहते हैं जुल्म सितम के ज़रिए। ये वो खुदा के बंदे हैं जिनको कलमे तौहीद से हटाना चाहते हैं जुल्म सितम के ज़रिए, अपनी सफाकियों और अपने मजालिम और अपने तारीख ख्यालात की पैदावार, वो तमाम हरकतें जो अंबिया के दुश्मन अंबिया के ग़ुलामों को राह हक से हटाने के लिए अख्तियार किया करते थे, ये वो सारी हरकतें कर रहे हैं। बेवकूफ़ हैं जो समझते हैं कि इन मजालिम के लिए जमात अहमदिया को राह हक से हटा सकेंगे, झूठे और नादान हैं। कभी पहले भी अल्लाह ताला के भेजे हुओं के ग़ुलाम इन अज़ारों से, इन तकलीफ़ों की वजह से राय हक से हटें जो आज हटेंगे। बस मैं इनसे ये कहता हूँ और सारी जमात की नुमाइंदगी में ये कहता हूँ कि तुम जो चाहो कर लो, जितना ज़ोर लगाना है लगा लो। खुदा की कसम हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ग़ुलामों की राहों से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, और अहमदियत का ये काफिला हमेशा आगे ही बढ़ता चला जाए। जिन राहों पर तुम चल रहे हो तारीख इंसानियत से साबित है कि वो नाकामी और नामुरादी की राहें, वो हमेशा तारीख राहों के तौर पर दुनिया पे जाहिर हुई हैं, और उन राहों पर आने वालों ने नजर डाली तो हमेशा लानतें भेजते रहे उन राहों पर। वो मगजूब अलहिम की राहें हैं, वो जालिम की राहें हैं, लेकिन खुदा की कसम हम जिन राहों पर चल रहे हैं वो अंबिया और उनके अस्दिका गुलामों की राहें हैं, और ये वो राहें हैं जो कहकशाएं बनकर आसमान पर चमका करती। बस एक आसमान की कहकशानों को हमने देखा जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अवलीन ने अपने कदमों से बनाई थी। और ऐ देखने वालों देखो,
कि मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम आखरीन में जाहिर होने वाले आप फिर इन कहकशानों को अपने खून से बना रहे हैं, अपनी कुर्बानियों से रोशन कर रहे हैं उनको, और आइंदा जमाना इन राहों को देखेगा, इन चमकती हुई कहकशानों को, और इनसे सबक हासिल करेगा, और इन हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों पर हमेशा रहमत और दुरूद भेजता रहेगा। बस मुबारक हो तुम जो इस लैलतुल कदर के जमाने को पाने वाले हो, मुबारक हो तुम जिन्होंने अपनी कुर्बानियों से साबित कर दिया कि वो खुदा की कदर के लायक बन गए, खुदा की कदर के लायक ठहराए गए। बस जो जोर लगता है तुम लगा लो ऐ दुश्मनान अहमदियत, जितने अहमदी शहीद करना चाहते हैं शहीद कर लो, एक नार्वे की मस्जिद नहीं, तुम जितनी मस्जिदों में चाहो बम से उनको उड़ाने की कोशिश करो। खुदा की कसम हमारा खुदा हमारे साथ है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा हमारे साथ है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामों का खुदा हमारे साथ है, आपके आशिक सादिक हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का खुदा हमारे साथ है। तुम लाजमन नाकाम और नामुराद होकर मरोगे, और अहमदियत के लिए वो सुबह ज़रूर तुलू होगी जिसके मुतल्लिक खुदा फरमाता है और कुरान में वादा करता है, हत्ता मतला अल-फजर, जिसके मुतल्लिक खुदा ताला फरमाता है हत्ता मतला अल-फजर, ऐ मेरे बंदो ये रात जारी तो रहेगी लेकिन हमेशा के लिए नहीं, ये दुख हैं मगर मैं इन दुखों को कदर और प्यार की निगाह से देख रहा हूँ, बस मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ हे हत्ता मतला अल-फजर, ये मतला फजर तक की बातें हैं और फजर का तुलू होना ज़्यादा देर की बात नहीं रही। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله। अभी नमाज जुमा के बाद मैं अपने बहुत ही प्यारे शहीद भाई डॉक्टर अतकील बिन अब्दुल कादिर की नमाज़े जनाजा पढ़ाऊँगा, इसके साथ ही बाकी शहदाए अहमदियत जो हैं उनकी भी नमाज़े जनाजा पढ़ी जाएगी इकट्ठी दोबारा, इस दुआ के साथ, इस इल्तिजा के साथ कि ये विदा का जुमा हमारे लिए दुखों और मुसीबतों के विदा का जुमा भी बन जाए, और जिस तरह के बाद अहमदी भाइयों ने मुबशरात देखी हैं और बताया लिखा है कि अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी है कि इस रमज़ान के बाद अहमदियों के दिलों की फरहत का सामान फरमाया जाएगा, बस अल्लाह ताला वो फरहत का सामान हमारे लिए फरमाए और इस लैलतुल कदर की रात को अब कबूल फरमा ले, और वो भाई जो दुख उठा रहे हैं जिस तरह उनको सब्र दिया है, हम जो दुखों की हसरतें लिए बैठे हमें भी सब्र अता करें। इबाद अल्लाह रहमकुल्लाह إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وادعوه يستجب لكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر।